बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 7 पढ़ेंगे, यानी न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर का टाइटल है पीयूष विंध्यवा, यानी श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप लोग, पहला श्लोक क्या है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग इसको गौर से सुनिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी इसका अर्थ होता है बेटा कि परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। यानी किसी चीज़ में सफलता होना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम, ना कि केवल इच्छा रखने से कि हाँ हमको ये इच्छा है, ये हो जाए वो हो जाए। जैसे किसी की इच्छा है डॉक्टर बनना और वो बस मन में सपना पाल रखेगा कि हमको डॉक्टर बनना है, भगवान जी हमको डॉक्टर बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक हम उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, उसके पीछे अपना खून पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक हमारा सफलता अनिश्चित है। कहता है जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं कर सकते, शेर अगर सोया रहेगा और सोचेगा क्या कि हमारा शिकार खुद मेरे पास आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसके लिए उसको उठना ही पड़ेगा और शिकार करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग जो है इसका अगला श्लोक बुक से पढ़ेंगे, अर्थ भी इसको मैं कॉपी से बता दूंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखो बेटा, अब है तुम्हारा चैप्टर, यहाँ दिख रहा होगा। अब है दूसरा श्लोक, यानी यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है, नंबर 2 कहता है यथा ही एकेन चक्रेन नौ रथस्य गति भवेत एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। ये आपका श्लोक है, इसका अर्थ मैंने अपनी कॉपी में लिखा है, आप देख लीजिए क्या है कि जैसे निश्चय ही एक चक्र के बिना रथ की गति नहीं होती, वैसे ही बिना परिश्रम के भाग्य या मंजिल की पूर्ति नहीं होती। यानी हम सफल तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक एक निश्चित डायरेक्शन में मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। अब है हमारा अगला, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदन यो मध्य शीतला साधु संगति। ये बेटा बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हम ब्रेक करके क्या पढ़ेंगे, चंद्र चंदन न मध्य, ठीक है। अब कहता है क्या, इसका अर्थ क्या बताता है कि देखो, कहता है लोग चंदन को शीतल और चंद्रमा को चंदन से भी शीतल कहते हैं, यानी चंदन से भी ज़्यादा ठंडा चंद्रमा को मानते हैं। लेकिन चंदन और चंद्रमा दोनों के बीच सबसे ज़्यादा शीतल क्या है, साधु और सज्जन लोगों की संगति, ठीक है, गति होती है। अब है हमारा अगला श्लोक, वृथा वृष्टि समुद्रेशु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। कहता है कि जिस तरह समुद्र के लिए वर्षा का पानी बेकार और तृप्त के लिए भोजन बेकार, यानी जो लोग को भूख नहीं है उसके सामने अगर आप खाना लेके जाइएगा तो उनको लिए खाना बेकार हो जाता है, होते हैं, उसी तरह धनवान के लिए दान और दीन को दिया जलाना व्यर्थ है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा धनवान है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, आप उसको दान दीजिएगा, आपका दान क्या होगा, बेकार चलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को वो चीज़ दिया जाए जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें ज़रूरत नहीं है उनको कुछ नहीं देना चाहिए, उनके लिए वो चीज़ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब है जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कहता है क्या, इसका अर्थ एक बार मैं फिर इसको पढ़ देती हूँ, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। देखो बच्चों, इसका क्या कहता है,
अर्थ कहता है क्या, नल से जल का बूंद बार बार या लगातार गिरकर घड़ा को भरता है, वैसे ही सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का के होने का कुछ नियम होता है। यानी इन सब चीज़ों को पाने के लिए भी हम लोग को लगातार जो है उसके पीछे पड़े रहना पड़ता है। ठीक है, अब है अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ ये है बच्चों, देखो कहता है क्या, आलसी को कभी विद्या नहीं हो सकता और विद्या विहीन को धन नहीं हो सकता, और बिना धन के मित्र नहीं हो सकता और बिना मित्र के सुख नहीं हो सकता है। ये आपका इस चैप्टर का श्लोक का लास्ट श्लोक का अर्थ है। फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे, सारे श्लोक को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। देख लीजिए एक एक श्लोक को मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोग याद भी करेंगे और फिर इसको लिखेंगे। अब देखिए विशेष में क्या दिया हुआ है, संख्यावाची सदैव विशेषण होते हैं, उनका लिंग विभक्ति और वचन विशेष के अनुसार होता है। जैसे एकेन चक्रेन, कहने का ये मतलब है कि जैसा करता होगा उसी के अनुसार उसका ये विशेषण चलेगा, विशेषण विशेष से सेम सेम। निम्नलिखित वाचक शब्दों के लिए भिन्न भिन्न प्रश्नवाचक अव्यय पद होते हैं। जैसे आप लोग अव्यय के बारे में पहले से ही जानकारी ले लिए हैं, तो देखिए क्या कहता है, स्थान वाचक यानी स्थान का बताता है, कुत्र कुतः, प्रयोजन वाचक किमर्थम किस लिए यानी क्या कहता है, रीजन को बताने के लिए, विधि वाचक या रीति वाचक कथम कैसे, समय वाचक कदा कब, गुणवाचक कीदृश कीदृश कीदृशम, संख्यावाचक कति मतलब कितने। और यहाँ पे है आपका शब्दकोश हार्डवेयर का, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, इस सब पे भी आपको ध्यान देना है। बाकी आपको मैंने सब दिखा दिया है, आपको अर्थ भी मैंने बता दिया, आप एक एक श्लोक का अर्थ जो है अच्छे से लिख लेंगे, देख लेंगे, फिर इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दूंगी। तो आप लोग सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। दैट्स ऑल, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।